हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो हथेली है काफ़ी स्क्वायरिश शेप में है, और जो फिंगर्स का साइज़ है यहाँ पर मीडियम साइज फिंगर्स दिखाई दे रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली की शेप है वो कुछ इस तरह से बनती हुई, जो एक कंप्लीट स्क्वायर जैसी शेप यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जो एक बहुत अच्छा चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहती है। और जो इनकी फिंगर्स हैं यहाँ पर काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, और जो शो करती हैं अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को, और साथ ही साथ यहाँ फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी रेखाएं भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ इस तरह की सीधी रेखाएँ जो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। कुछ आड़ी रेखाएँ भी हों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह व्यक्ति को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का बनाती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर एक सोबर नेचर की है। कुछ हल्की आड़ी रेखाएं हैं जिसकी वजह से कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ अपनों के साथ इनकी अनबन भी हो सकती है, अदरवाइज ज़्यादा यहाँ पर नेचर अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ गैप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में, जैसे कि यहाँ पर आपको गैप नज़र आ रहा होगा। इस तरह का जो गैप है व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। और जिनके भी हाथ में यहाँ पर दोनों फिंगर्स के बीच में गैप मौजूद हो, जैसे यह सूर्य की फिंगर और बुध की फिंगर है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं और अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। कुछ इस तरह की नेचर इनकी रहती है। तो चलिए आगे देखते हैं फिंगर्स के साइज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर है सूर्य फिंगर की, इस लेंथ बहुत लंबी है, और अगर हम इसको देखें यहाँ पर कंपेयर करें इनकी गुरु फिंगर से तो काफ़ी ज़्यादा लंबाई में, जो अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ को शो करती है। काफ़ी क्रिएटिविटी इनके अंदर रहेगी, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर लीडरशिप थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पहली बात तो जो इनकी गुरु की फिंगर है थोड़ी साइज़ में शॉर्ट हो रही है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर थोड़ी जो गुरु माउंट है वो भी थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, जिसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रह सकती है, लेकिन क्रिएटिव क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी। और जो इनकी मर्करी फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, जो शो करती है काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को, और उसके बाद हम चेक करेंगे लाइंस को भी। तो यहाँ पर अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन जो है वो बनकर सामने आ रही है। यहाँ पर यह लाइन जो बन रही है बिल्कुल सीधी, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और गुरु माउंट पर जाकर थोड़ी सी जो लाइन है लो सेट हो रही है, जो गुरु की लीडरशिप क्वालिटीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा वीक कर रही है, अदरवाइज बाकी के माउंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए वन बी वन सारे माउंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मर्करी माउंट की। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मुझे मर्करी रेखा यानी बुध की जो रेखा है वो दिखाई दे रही है, बहुत ही क्लियर है, जो व्यक्ति को एक कुशल व्यापारी बना सकती है, एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकती है। इस तरह की बुध रेखा होने का बहुत बेनिफिट रहता है। और उसके साथ साथ अगर बुध माउंट भी यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं उभरा हुआ है, और बुध माउंट बिल्कुल प्रोमिनेंट है, बिल्कुल भी लो सेट नहीं है। नॉर्मली क्या होता है लोगों के हाथ में जो मर्करी फिंगर है वो काफ़ी लो सेट होती है, लेकिन यहाँ पर मर्करी फिंगर जो है वो काफ़ी हाई सेट है, मर्करी माउंट काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर इनके एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनने के यहाँ पर जो योग हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मर्करी माउंट के ऊपर खड़ी रेखा का होना भी यहाँ पर देख सकते हैं, एक से दो खड़ी रेखाएं, और यहाँ पर भी ओवरलैप होकर ऊपर तक पहुँची रेखा होना यहाँ पर इनको काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं सूर्य माउंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं सूर्य माउंट यहाँ पर जो है इनका थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी यहाँ पर मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं सूर्य माउंट, सूर्य फिंगर को हमने देखा था काफ़ी अच्छी लेंथ में, लेकिन सूर्य माउंट यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन सूर्य रेखा का होना यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम दिलवा सकता है। कुछ इस तरह की सूर्य रेखा जो बहुत डार्क है, लेकिन उसके नीचे भी यहाँ सूर्य रेखा मौजूद है, जो शो करती है यहाँ पर लगभग
35 के बाद की एज, 35 और 36 के अराउंड एज के बाद इनको काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम मिल सकता है, और जो ओल्ड एज में चलकर तो इनकी काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में होने वाली है, जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल चिन्ह यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इनके हाथ में। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इनके हाथ में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर शनि माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं जो रेखा है इनकी शनि की, वो प्रॉपरली पहुँचती हुई और डबल होती हुई शनि रेखा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जो एक अच्छा चिन्ह है यहाँ पर कंफर्ट्स के मामले में, पैसे के मामले में। और यहाँ पर सेंटर में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा फिश जैसा एक चिन्ह बनता हुआ, आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, फिश का चिन्ह यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पार्ट में बनता हुआ, जो एक राहु एरिया के ऊपर ऐसा चिन्ह बन रहा है, यह व्यक्ति को अचानक धन लाभ दिलवा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो यह चिन्ह है यह एक फिश जैसा चिन्ह इसको हम मानते हैं, और कुछ इस तरह का चिन्ह बनना इनको अचानक से बेनिफिट्स दिलवा सकता है। और यहाँ पर इनके हाथ में कुछ और भी चिन्ह है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल एरिया के ऊपर एक तिल का चिन्ह है, यह चिन्ह थोड़ा सा नेगेटिव है, व्यक्ति को अग्रेसिव बनाता है, स्वभाव जो है गुस्से वाला रहता है। तो जो हम शनि माउंट की बात कर रहे थे, तो शनि माउंट के ऊपर प्रॉपर एक लाइन पहुंचती हुई यहाँ पर, जो लगभग चंद्र माउंट से होकर ऊपर शनि माउंट तक पहुंचती हुई, और एक अलग से लाइन चलकर भी इसमें इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डबल फेट की लाइन होती हुई। तो यहाँ पर इनकी जो लक है इस फेट लाइन की वजह से काफ़ी अच्छी रहने वाली है, खासतौर पर फाइनेंसिस के मामले में काफ़ी अच्छा यह है, पैसा कमा पाएंगे और काफ़ी अच्छा पैसा स्टोर भी कर पाएंगे। लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल भी रह सकती है, क्योंकि कुछ स्ट्रेस लाइंस भी मैं देख पा रहा हूँ, मंगल एरिया के ऊपर तिल का चिन्ह भी है, तो लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल भी रहेगी, लेकिन तरक्की भी इनकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। गुरु माउंट की बात की जाए तो गुरु माउंट यहाँ पर प्रोमिनेंट है, थोड़ा लो सेट है, जिसकी वजह से लीडरशिप में थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन अगर माउंट के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से पूरा क्रॉस बनता हुआ, और उसके अलावा अगर इस माउंट के ऊपर जो इसका ट्राइरेडल है वो सेंटर में हो, जैसे आप देख सकते हैं इनका जो ट्राइरेडल इस माउंट का है, आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा, कुछ इस एरिया में आपको एक त्रिकोण का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जो बारीक लाइनों से, जो इनकी फिंगरप्रिंट वाली लाइंस हैं उनसे बनता हुआ, जो बिल्कुल सेंटर का एरिया है, आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कुछ इस एरिया में, तो ट्राइरेडल यहाँ पर बनता हुआ और क्रॉस का चिन्ह है, और कुछ उसके बाद यहाँ पर जो लाइन्स ऑफ सिंपथी भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, काफ़ी अच्छे चिन्ह हैं इनके हाथ में। यह जो आड़ी रेखाएँ हैं यह मल्टीपल इनकम सोर्सेज को तो शो करती हैं, साथ ही साथ व्यक्ति को सिंपैथेटिक भी बनाती हैं, और जो लाइंस हैं ऊपर की तरफ उठती हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो लाइनें ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई देंगी कुछ इस तरह से, यह प्रोग्रेस की लाइंस कहलाती हैं, तो लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी रहने वाली है। ओवरऑल माउंट्स इनके काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी बाकी की मेजर लाइंस इनके बारे में क्या क्या इंडिकेट करती हैं। तो सबसे पहले हार्ट लाइन की बात करते हैं, तो हार्ट लाइन से कुछ इमोशनल सेटबैक्स इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ चलने वाली लाइन्स से यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो काफ़ी सारी लाइन्स इनके जो हार्ट की लाइन से नीचे की तरफ चल रही है, जो इनको इमोशनल सेटबैक्स दिलवा सकते हैं, अदरवाइज जो इनकी मेन हार्ट की लाइन है वो बिल्कुल सीधी चलती हुई और लगभग गुरु माउंट तक पहुंचती है, जो इनको बहुत ही लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी के रूप में दर्शा रही है। तो हार्ट लाइन में वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो दिक्कत है वो नीचे चलने वाले जो ऑफ शूट्स हैं इनकी वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, लव अफेयर्स वगैरह में इनको जो है इमोशंस का सेटबैक मिलने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इनके साथ जो है बहुत अच्छा यहाँ पर किस्मत इस मामले में इनकी नज़र नहीं आ रही। और आगे देख सकते हैं आप इनका जो माइंड की लाइन है उसको चेक करते हैं किस तरह की इनकी माइंड की लाइन, तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट माइंड की लाइन, और लगभग यहाँ पर शुरू में एक आइलैंड बनता हो जो तनाव देता हुआ नज़र आ रहा है। जो आइलैंड है किसी भी लाइन पर जब बनता है तो उस संबंधी परेशानियाँ व्यक्ति को रहती हैं। तो लगभग यह जो 20s की एज में 20 से लेकर 25 और 26 की एज तक यहाँ पर एक आइलैंड का जो चिन्ह है बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो इनको मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन अदरवाइज जो आगे की लाइफ है काफ़ी अच्छी है, और लाइन जो है काफ़ी अच्छी सीधी स्ट्रेट लाइन है,
काफी शार्प माइंड रहेगा, लेकिन थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर, तनाव जैसा चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ जो यहाँ पर इनको थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका मनी ट्रायंगल बनता हो तो पैसे संबंधी दिक्कतें नहीं रहेंगी, कुछ अप्स एंड डाउन्स मनी रिलेटेड रह सकते हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। कुछ ना कुछ इनका जो है अरेंजमेंट है वो पैसे का होता रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन्स हैं और काफ़ी अच्छा ये पैसा अपनी लाइफ में स्टोर भी कर पाएंगे। अगर लाइफ लाइन को देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रेस की लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं जिन लाइंस को मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर यह जो लाइंस हैं लगभग 30 की एज तक यहाँ पर इनको डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही है। अलग अलग एजेस में यहाँ पर 20, 25, 27 और 30 के अराउंड इन एजेस में कुछ ना कुछ स्ट्रेस इनको यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इनकी लाइफ है वो काफ़ी लंबी रहने वाली है, आप देख सकते हैं इनकी लाइफ की लाइन की लेंथ जो है लगभग 80 तक जाती हुई। विदेश जाने के चांसेस रहेंगे क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा के एरिया से चलने वाली फेट लाइन है और इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी यहाँ पर बाहर की तरफ चलती हुई जो इनको विदेश यात्राएं करवा सकती हैं, विदेश से कोई ना कोई रिलेशन इनका रह सकता है क्योंकि इस तरह का यहाँ पर चिन्ह बनता हुआ और जो मेजर लाइन है वो वापस पीछे की तरफ मुड़ती हुई जो शो करती है कि जो ज़्यादा चांसेस रहेंगे अपने फैमिली के साथ अटैच रहने के रहेंगे और वापस इंडिया में भी आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घर से दूर सेटल होने के और काफ़ी समय रहने के चांसेस भी यहाँ पर काफ़ी ब्राइट हैं। यहाँ से फेट लाइन का चंद्र एरिया से चलना इस चीज़ को और भी श्योर करता है कि यह विदेश जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर काफ़ी समय रह सकते हैं। वीनस माउंट के ऊपर यहाँ पर जो वरी लाइंस हैं यह इनको चिंताएं देती रहेंगी, किसी न किसी वजह से काफ़ी वरीड लाइफ रहने वाली है, लेकिन काफ़ी अच्छी लाइफ 30 की एज के बाद बहुत ही अच्छी लाइफ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन बिफोर 30 यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है और काफ़ी स्ट्रेस नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद की लाइफ को यह काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर पाएंगे। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।